नमस्ते दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ पनीर के पराठे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। पनीर पराठे बनाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा, आधा चम्मच नमक, नमक को मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। आटा हमारा रेडी है, इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब इसके लिए पनीर की फिलिंग तैयार कर लेंगे। फिलिंग के लिए 200 ग्राम पनीर लिया है, पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। तो इसी तरह से सारे पनीर को कद्दूकस कर लेते हैं। पनीर में 1 बड़ा प्याज डाल देते हैं बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक ग्रेट किया हुआ, 2 चम्मच धनिया पत्ता, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच अजवाइन। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नाश्ते के लिए पनीर की फिलिंग हमारी रेडी है, आटा भी रेडी है। आटे को एक बार अच्छे से मसल लेंगे। तो आटा हमारा सॉफ्ट तैयार है, तो हाथों पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और एक लोई तोड़ लेंगे। इसे हम गोल कर लेते हैं इस तरह से, और गोल करने के बाद इसे हम इस तरह से कटोरी नुमा बना लेंगे। तो उंगली और अंगूठे की सहायता से इसे इस तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। अब इसमें पनीर की फिलिंग भर लेंगे, 2 से 2.5 चम्मच इसमें डाल देते हैं और इसे हल्का सा इस तरह से दबा देंगे। और देखिए अंगूठे और उंगलियों के बीच में इसे इस तरह से रख देंगे, और जिससे ये पनीर की फिलिंग हमारी अंदर तक जा सके। और जो पराठे का है इस तरह से हम गोल बना लेंगे, इसमें कोई प्लेट्स नहीं पड़नी चाहिए वरना जो हमारा पराठा है फट जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा आटा है तो इसे हम घुमाते हुए इधर निकाल लेते हैं और इसको हम गोल बना देंगे। तो देखिए पराठे की लोई रेडी हो गई, इसे हल्का सा चपटा करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर लेंगे। तो आटा डस्ट करने के बाद इसे हम इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे जिससे पनीर की फिलिंग है चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। तो थोड़ा सा सूखा आटा फिर से डस्ट कर लेंगे और इसे हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं। पनीर का पराठा बेल लिया है, इसे हम गरम तवे पर डालेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेते हैं, पराठे को डाल देंगे। दूसरी साइड से सिकते ही पलट लेंगे और इधर से भी इसे पलट लेते हैं, ऑयल या घी लगा लेंगे जिससे पराठा हमारा क्रिस्पी टेस्टी बने। तो पलट पलट कर घी तेल लगा कर इसे हमने अच्छे से सेक लिया है, बहुत ही टेस्टी पराठा बनाए। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के पराठे भी इसी तरह से सेक के